my dear students, welcome back to all of you in today's class. See, we meet today after so many long time because it was going our exam. है ना, हमारी exam चल रही थी और उसके बाद हम आज मिल रहे हैं. Okay. See, actually in the shooting test we have skipped our activity time, but now today we will see the activity time. See, what is the activity time? We can see. See. The shooting test का पेज नंबर 22 है. You have to see the activity time. Actually, the activity time it's only for students. But क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. See, find out the rules about any game given in the three pictures and write 5 sentences about them. See, students, there is a three picture given below. 1, 2, 3. There are the three pictures given below, but we have to choose one. हमको एक choose करना है and on what we can choose on the topics we have to write at least 5-6 sentences. If I'm just giving you for example, if there is a mention of cricket and I choose the cricket, so I have write about the cricket. But there is a no cricket, there is a three different games we have to see. Okay, see, first playing a game of darts. जो game है वो darts, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद है हुपला. हुपला means यहाँ पे जो ring करके हम body को shake करके यहाँ पे सिर्फ manage करते हैं, उसके बारे में. और third है shooting a balloon. Shooting a balloon हम जैसे क्या बोलते हैं मेले में देखते हैं, देर इज अ सिक्वेंसली बलून रहता है और हमको क्या गन से उसको निशाना लगाना पड़ता है. सी, अब यहाँ से प्लेइंग अ गेम ऑफ डार्ट्स, हुपला एंड शूटिंग अ बलून, यू हैव टू चूज द वन एंड यू कैन राइट एटलीस्ट अ 5 सेंटेंस. सी, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट, वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग. आपको जो भी लगे यू कैन राइट. ओके, सी, प्लेइंग अ गेम ऑफ डार्ट्स, उसमें क्या दिया है देखो. वी कैन सी द पिक्चर. सी, लुक स्टूडेंट, इट इज द वन हु प्लेड अ गेम ऑफ डार्ट्स. ये जो ऐसा एक गेम है, गेम ऑफ डार्ट्स, वी आर एक्चुअली वी आर गिवन अ टारगेट. हम क्या करते हैं, अगर ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमको फिर यहाँ पे ऐसे दिए रहते हैं सर्कल एंड द सर्कल और यहाँ पे ये डॉट दिया है. सो वी हैव टू टारगेट. व्हाट इज आवर टारगेट? इट्स अ सेंटर, इट्स अ डॉट, है ना. आया, सी, लुक एट द ब्लैक बोर्ड. सी, व्हेन वी आर गिवन अ टारगेट फॉर दिस, है ना, सो इन द सेंटर वी हैव टू एम पर्टिकुलर, है ना, वी हैव टू एम पर्टिकुलर. सो we must have seen, actually we must have seen similar games many times where in the fair. मतलब हम ऐसे ऐसे games कहाँ पे देखते हैं, मेले में देखते हैं. see ये game में क्या है, we have वो रहता है ना हमारे पास फेंकने का, तो we have to aim first. shooting test में हमने क्या देखा था, when the Dronacharya asked, द्रोणाचार्य हैव अ शूटिंग टेस्ट, हैड अ शूटिंग टेस्ट फॉर इज पांडवास. तो उनको क्या करना पड़ता है, बर्ड राइट बर्ड की आई को हमको क्या करना पड़ता है, आपको पता है ना हम क्या पढ़े थे कि भूल गए पूरे इसमें एग्जाम टाइम में. सो वी हैव टू टारगेट राइट आई, इसके बर्ड राइट आई उसको आपको हमको क्या करना पड़ता है, एरो से निशाना पड़ता है. ओनली अर्जुन वॉज अ विनर. सो इसी प्रकार से यू जस्ट अंडरस्टैंड देयर इज अ राइट बर्ड आर. सो वी हैव टू एम, वी हैव टू टारगेट द सेंटर, अंडरस्टूड. इसी प्रकार से हमको ये करना है. इफ यू कैन राइट ऑन दिस डार्ट्स यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5. अब सेकंड क्या है, हुपला. हुपला मैंने बताई, देखो हुपला मीन्स क्या होता है कि जस्ट वी होल्ड हैंड्स, हमारे जो हाथ को हमको क्या करना है, पकड़ना है. देखो मैं, आई कैन सी द गर्ल हु कैन हैंड्स, उसने ऐसे किया है और उसके जो रिंग्स है, सी वी होल्ड हैंड एंड इट स्टैंड
बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन, है ना। हम क्या करते हैं, हमारे जो हैंड्स है हमको पर्टिकुलर वी कैन स्टाइन इन अ सर्कल एंड अ लाइन, है ना। सो टू स्टार्ट द गेम, टू स्टार्ट द गेम लूप एंड द हुप ओवर, लूप एंड द हुप ओवर अ प्लेयर्स आर्म्स, मतलब यहाँ से हमको वो क्या डाला जाता है, एक रिंग डाला जाता है, हमें वे जो शेकिंग अवर बॉडी, हमको क्या करना पड़ता है, कमर हिलाना पड़ता है ताकि वो जो रिंग है वो भी हुक, मतलब वो भी हिले। सो हाँ यहाँ पे दिया ही है, सी प्लेयर्स आर्म फ्रॉम देयर ऑफ इट्स द ग्रुप मस्ट अराउंड द सर्कल एंड प्लीज यू डोंट लेटिंग डाउन, मतलब आपको वो नीचे नहीं गिराना, जितना टाइम हो सके यू हैव टू मूव द रिंग्स, मतलब आपको जितना हो सके वो शेक करना है, मूव करना है, जब तक वो विदाउट लेटिंग अदर्स हैंड, मतलब हमको ही खुद अगर ग्रुप में खेल रहे तो ठीक है, अगर सिंपली हम खड़े हैं तो वी आर जस्ट, जब तक हमारा गिर रहा है तब तक हम कर सकते हैं। अब देखो थर्ड में क्या है, इट्स शूटिंग अ बलून, आप गए होंगे वहां पे जत्रा में किसी भी फेयर में तो वहां पे बलून्स दिए सीक्वेंस वाइज, तो यू हैव टू एम लाइक दिस, यू हैव टू टारगेट टू द बलून, सो दैट्स व्हाई फर्स्टली वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट द बलून, विच बलून आई विल शूट, कौन सा बलून आपको गन से उड़ाना है ना, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, पहले टारगेट करेंगे, देन आई विल शूट। सो इस तीनों में से जो भी आपको लगे कि यू हैव टू राइट ऑन द फाइव लाइन्स यू कैन, ओके समझ में आ गया। सो एक्टिविटी टाइम में प्लेइंग अ गेम डार्क्स और हुपला एंड द शूटिंग अ बलून दिया है, इन तीनों में से आपको लिख सकते हो, ओके। सी यहाँ पे दिया है कि आस्क योर टीचर टू टेल यू द स्टोरी ऑफ पांडवास, ऑलरेडी सी वी हैव डिस्कस अबाउट द शूटिंग टेस्ट, शूटिंग टेस्ट में हमने क्या दिया था, देर इज अ वन गुरु हु नेम वॉज द्रोणाचार्य एंड द्रोणाचार्य के जो स्टूडेंट थे फाइव, कौन से, नकुल, सहदेव, युधिष्ठर, अर्जुन एंड भीम, दीज फाइव स्टूडेंट्स, दैट्स वाई वी कॉल्ड अ पांडवास, पांडवास बोलते हैं, पांडवास मीन्स फाइव, ओके। सो दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ द गुरु द्रोणाचार्य, है ना। तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम हमने तो ऑलरेडी पढ़े बट वी आर जस्ट टेकिंग रिविजन, तो क्या होता है, वन बाय वन द पांडवास वेन टू हिज गुरु, मतलब वो क्या करते हैं, वन बाय वन वो अपने गुरु के पास जाते हैं, ही जस्ट वॉन्टेड टू आस्क, वो क्या पूछते हैं कि गुरु जी कैन यू टीच हाउ टू शूट द बो एंड आरो, है ना, वो हम आप हमको सिखा सकते हैं कि इंद्र और धनुष बाण कैसे मतलब कैसे चलाना है। उसके बाद क्या होता है कि वो बताते हैं कि हमको किस प्रकार से हॉर्स ड्राइविंग करना है, हॉर्स राइड करना है, किस प्रकार से हमको घुड़सवारी करना है, ऐसे वन बाय वन है। फिर वो क्या करते हैं द्रोणाचार्य जी, ही हैड अ प्लान, ही हैज गिवन अ टेस्ट फॉर द पांडवास, वो क्या करते हैं पांडवास की एक टेस्ट लेते हैं, इन द टेस्ट ही जस्ट टारगेट ऑन द बर्ड्स राइट हैंड, है ना, who has sat on the tree, वो पक्षी कहाँ पे बैठा रहता है, ट्री पे बैठा रहता है, and the target was the Pandavas had shoot the birds right eye, है ना, birds के right eye को क्या करना पड़ता है, shoot करना पड़ता है, ऐसा इनको टेस्ट दिया। but one by one the fourth students had failed and the only अर्जुन was the विनर, वो विनर होता है बिकॉज इन तीनों एक्टिविटी में से हम वही सीखते हैं कि फर्स्टली वन वी हैड गिवन अ टारगेट, अगर हमको टारगेट दिया रहता है, अगर हमको टारगेट दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पर्टिकुलर टारगेट, सो अगर हम जब तक कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम उस निशाने को देखेंगे नहीं, वी कांट फोकस, वी कांट शूट द
दैट टारगेट. जैसे हम यहाँ पर हमको करना है तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल इस डॉट को कंटिन्यू देखना पड़ेगा. हमको ये भी लाइन नहीं लिखनी चाहिए, ये भी लाइन. लाइक द अर्जुन, अर्जुन डिडंट सी द ट्री, अर्जुन डिडंट सी हिज ब्रदर्स, अर्जुन डिडंट सी द अराउंड द ट्री, ही डिडंट सी द ब्रांचेस, ही जस्ट फोकस द बर्ड राइट आर. जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ बर्ड की राइट आई दिखाई दे रही थी, सो दैट्स व्हाई ही फोकस द पर्टिकुलर एम. मतलब वो जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ बर्ड की राइट आई दिखाई जाती है तभी वो क्या करता है, फोकस करता है, एंड ही शूट. सो इफ वी हैव अचीव, वी हैव शूट. जैसे बोलते हैं जब तक हम पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम पढ़ाई में फोकस नहीं करेंगे, तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो कॉन्सेप्ट, वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, है ना. सो वी हैव टू फोकस द पर्टिकुलर एम, द पर्टिकुलर टारगेट. जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तो वी विल नॉट गेट अचीव, हम सक्सेस हमको मिलेगा ही नहीं. सो ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू डू द पेज नंबर एक्टिविटी टाइप. यू हैव टू चूज from these three games, you have to choose one, and after you choosing, you have to write the at least 5-6 sentences. Okay, so tomorrow we will start the our new chapters, new lesson, second, the earth day. Okay, so see you tomorrow. Till then, take care, bye bye, and please do your activity time. Okay, so take care, bye bye.